जनपद फरुखाबाद में मुंबई महाराष्ट्र से डीसीएम में बैठकर आ रहे 54 महिला पुरुषों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। डीसीएम चालक रास्ता भटक कर फरुखाबाद पहुंच गया था। लॉकडाउन में बंद हुए कारोबार के बाद अपने वतन लौट रहे नेपालियों को पुलिस ने रोक लिया। डीसीएम में बैठे नेपाली मुंबई से आ रहे थे। इस डीसीएम में 54 नेपाली युवकों को चालक नेपाल लेकर जा रहा था, जो रास्ता भूलकर फरुखाबाद पहुंच गया। जिले के पुलिस कर्मियों ने रात्रि चेकिंग के दौरान ट्रक को रोक लिया, लेकिन बड़ी संख्या में ट्रक के अंदर भरे नेपाली युवकों को देखकर पुलिस कर्मी दंग रह गए। जहां डीसीएम में बैठे सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेजा गया है। ट्रक में बैठे नेपाली युवकों ने बताया कि वो प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए के हिसाब से इस ट्रक में बैठे थे, जिन्हें नेपाल बॉर्डर गौरी फंटा तक जाना था, लेकिन पुलिस ने फरुखाबाद में ट्रक को पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? संजय चंद। क्या नाम है आपका? संजय चंद। पिताजी का नाम क्या है? गौरव चंद। कहाँ रहते हो आप? नेपाल बैतली। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मुंबई कल्याण से। कितने लोग हो? गांव वाले टोटल, मेरे गांव वाले 4 लोग हो। नहीं, टोटल डीसीएम में कितने लोग हैं सर? टोटल कंफर्म नहीं, मे बी 50 हो। 50 हो। कितने दिन से आप आ रहे हो? मे बी 3 दिन हो गए, परसों है वैसे ऐसे बैठे। बोलो क्या नाम है? क्या करते थे वहाँ पे? काम करते किचन में। आप जब वहाँ से निकले थे तो आप लोगों का चेकअप कराया गया था? हाँ सर, मेडिकल रिपोर्ट एजेंट।